हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कॉनिकल पेंडुलम की। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉनिकल पेंडुलम है वो किस तरह का दिखता है। ए कॉनिकल पेंडुलम इज़ ए सिंपल पेंडुलम। इसे क्या बोलते हैं? एक सिंपल पेंडुलम बोलते हैं विच इज़ गिवन ए मोशन सो दैट द बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये क्या डिस्क्राइब करता है? बॉब एक हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब करता है एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। और ये जो स्ट्रिंग है वो एक कोन को डिस्क्राइब करेगी। जैसे आपको इसकी रियल इमेज आपको दिख रही होगी, वही हम सब इसमें डेफिनेशन में पढ़ेंगे। कॉनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच अ मोशन दैट द बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। अब बात करते हैं हम कॉनिकल पेंडुलम के इस डायग्राम की। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रिंग की हाइट है, ये आपको हॉरिजॉन्टल जो सर्किल है वो दिख रहा होगा। इस सर्किल की रेडियस हमने स्मॉल आर ली है और ये जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो कितनी है? टी है। ये क्या है? रिजल्टेंट टेंशन है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट टी कोस थीटा एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा हमने इस तरह से बना दिया है। तो कंसिडर अ बॉब ऑफ मास एम। एम एक बॉब का मास है, रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस आर, जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और इस सर्किल की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। लेट वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉब। एच हाइट है। टी टेंशन इन द स्ट्रिंग। थीटा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग। तो ये सारी की बातें आपको याद रखनी है कि किससे हम किसको डिनोट कर रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजिशन ए आर, कौन कौन से फोर्सेस हैं? वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकली जो डाउनवर्ड आपको दिख रहा है ये क्या है? वेट है बॉब का। सेकेंड है टेंशन टी एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग, इसके अलोंग ये जो टेंशन है यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है टी, टेंशन टी एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग कौन सी टेंशन है? टी कॉस थीटा। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग कैन बी रिसॉल्व्ड इनटू टू कॉम्पोनेंट्स एज फॉलोज। यहाँ देखिए टी कॉस थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? टी कोस थीटा है, जो कि इसका टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉब। तो ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? ये नीचे डाउनवर्ड एम जी है, इसके द्वारा बैलेंस्ड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। हम लिखेंगे टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। सेकेंड देखते हैं टी साइन थीटा, जो कि इस रिजल्टेंट टेंशन का क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है टी साइन थीटा एक्टिंग अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस ये है कंपोनेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। और किस तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि एक और फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? ये टी साइन थीटा के इक्वल फोर्स होगा। और डायरेक्टेड किस तरफ है? ये भी इस सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। टी साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्क्यूलर मोशन। तो टी साइन थीटा को हम इक्वल करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया टेन थीटा। और यहाँ इस तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर को एम जी से, तो हमारे पास आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे?
वी निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, आर जी टेन थीटा रूट में, तो रूट में आ गया हमारे पास आर जी टेन थीटा। दिस इक्वेशन गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉब, ये स्पीड निकल गई बॉब की जो कि एक सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पर सर्किल बन रहा है, बट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। देखो ये कौन सा रिलेशन है, ये वी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, आर रेडियस ऑफ सर्किल है, और ओमेगा जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो आर ओमेगा के इक्वल में जब वी पुट करेंगे या फिर वी के इक्वल में आर ओमेगा पुट करेंगे तो इसके इक्वल में भी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो आर जी टेन थीटा बच गया। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम डायग्राम टेन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एच, ये अपने पास क्या है स्मॉल आर है और एच क्या है इसकी हाइट है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है स्मॉल आर और जो बेस है वो क्या है एच है, तो आर अपॉन एच करेंगे। अब हमें क्या लिखना है, टेन थीटा की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे आर अपॉन एच और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पर दो दो आर है तो आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी अपॉन एच ये हमारे पास फॉर्मूला बचता है। अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल लें तो ये कितनी आ जाती है, रूट में जी अपॉन एच आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है, टी इक्वल्स टू टू पाई आर, सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है उसको हम लिखेंगे डिवाइड करेंगे वी से, तो ये क्या होती है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है टू पाई आर और टी टाइम कितना निकल जाएगा टू पाई आर अपॉन वी। अब हमारे पास वी की जो इक्वेशन थी रूट आर जी टेन थीटा उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो टू पाई आर अपॉन रूट में आर जी टेन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ जब हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा आर अपॉन एल, आर क्या है हमारे पास थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हमारे पास ये जो लेंथ है वो हमने लिया है स्मॉल एल, तो आर अपॉन एल ये आ जाता है साइन थीटा। तो यहाँ आपको टेन थीटा में फॉर्मूला खोलना है इसका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा डिवाइड में बच रहा है वो नीचे वाली इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, ऊपर आया हुआ है ये रूट में एल कोस थीटा, तो यहाँ डिवाइड में है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो चला जाएगा ऊपर, और साथ ही साइन थीटा की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं स्मॉल आर अपॉन एल पुट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से रूट हट गया तो ये बाहर आ गया, अब स्मॉल आर और स्मॉल आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ऊपर बचता है सिर्फ टू पाई, और साथ ही ये एल जो है वो भी डिवाइड में जाएगी आर अपॉन एल, तो एल भी ऊपर आ गया कोस थीटा के साथ, तो एल कोस थीटा अपॉन जी, नीचे सिर्फ कितना रह गया रूट में जी रह गया, तो हमारे पास जो टी टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है टी इक्वल्स टू टू पाई रूट में एल कोस थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बट कोस थीटा क्या है यहाँ पर, अब थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस आ गया ये हाइपोटेनियस आ गया तो एच अपॉन एल लिख लेंगे, तो आप क्या करेंगे कोस थीटा की जगह हम एच अपॉन एल पुट करेंगे, यहाँ पे आपको करना है ये एल अपॉन एच नहीं है, ये है आपको करना है एच अपॉन एल, यहाँ एल की जगह एच लिखना है और एच की जगह एल लिखना है, तो एल से एल कैंसिल हो गया एच बचेगा, तो यहाँ अपने पास इक्वेशन आती है टी की टी इक्वल्स टू टू पाई रूट में एच अपॉन जी, तो ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई हमारे पास टाइम पीरियड की जो कि आती है टू पाई रूट में एच अपॉन जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ
कॉनिकल पेंडुलम. द पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस. तो देखिए यहाँ पर h, ये जो हाइट है इस पर डिपेंड कर रहा है. g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है इसके फॉर्मूले में. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, यानी बॉब का मास कितना है इस पर ये डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड. नेक्स्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें निकालनी है. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r. तो ये वर्टिकल सर्किल है. ये कैसा है? वर्टिकल सर्किल हमने बनाया है. मास कितना है ऑब्जेक्ट का? स्मॉल m है. आगे देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? a. a क्या है हमारा? इस सर्किल का हाईएस्ट पॉइंट है. इस वर्टिकल सर्किल का a हाईएस्ट पॉइंट है. द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट a हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? देखो, टेंशन T1 एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. T1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और साथ ही वेट mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, T1 प्लस mg, यानी द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट a इज प्रोवाइडेड पार्टली बाय वेट एंड पार्टली बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग. यानी अगर हम माने कि यहाँ v1 वेलोसिटी है और साथ ही यहाँ पर एक mg वेट है इसका, और साथ साथ टेंशन T1 काम कर रहा है, और टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपेटल फोर्स भी काम करता है, तो क्या लिखेंगे? T1 एंड mg दोनों मिलकर, दोनों का सम होकर ये जो वैल्यू बनाता है, जो फॉर्मूला बनाता है T1 प्लस mg, ये टोटल T1 प्लस mg किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा. यानी mv1 स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v1 है. नेक्स्ट हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? T1 निकाल लेंगे. तो mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब लोवेस्ट पॉइंट हमें देखना है b. इस सर्किल का लोवेस्ट पॉइंट b है, जहाँ पर टेंशन T2 काम कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट b लोवेस्ट पॉइंट है. कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? टेंशन T2 एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. T1 जैसे डाउनवर्ड काम कर रहा था, उसी तरह से T2 जो है वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ क्या काम करेगा? T2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. फिर वेट mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन जो वेट mg जो पहले डायरेक्टेड था डाउनवर्ड, वो अभी भी डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट b. अब क्या होगा? T2 माइनस mg होगा, क्योंकि mg क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और T2 क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे सेंट्रीपेटल फोर्स के. तो यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स कितना आ गया? mv2 स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? v2 है ऑब्जेक्ट की. और यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये. अगर पॉजिटिव हम इसको बोल रहे हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा. तो यहाँ से हम T2 निकाल लेते हैं. कितना आता है? mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट a. अब हमें देखना है लीनियर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट a पर. द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट a सो एज टू कंटिन्यू इन सर्क्यूलर पाथ. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी. यानी एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि क्या करे? कंटिन्यू करे सर्कुलर पाथ में जो मोशन हो रही है, जो स्पीड है इसकी वी की, वो कैसी होनी चाहिए? मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए कि ये सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू रखे. और ये वेलोसिटी क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी होती है. बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी द स्ट्रिंग बिकम्स स्लेक एंड द टेंशन T1 डिसअपियर्स.
तो क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड द टेंशन T1 कैसी होती है, डिसअपियर, यानी T1 को हम इक्वल मान लेंगे जीरो के। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ए। अब हमारे पास T1 का फॉर्मूला था, हमारे पास mv1 स्क्वायर अपॉन r2 माइनस mg। देखिए यहाँ पर r2 आपको नहीं करना, ये r2 नहीं है, ये v1 स्क्वायर है, ये यहाँ पर रेडियस है सिर्फ r, तो ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है स्मॉल r। ये आपको r2 दिख रहा होगा लेकिन ये r2 नहीं है, ये नीचे वाली इक्वेशन में v1 स्क्वायर है। तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, यहाँ पर हमने T1 को क्या लिख दिया है, जीरो लिख दिया है, तो ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के। तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसिल, यहाँ से V1 हमारे पास आ गया है रूट आर जी। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली है इसकी V1, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर है, लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम लिखेंगे रूट आर जी। नेक्स्ट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ए, v1 इक्वल्स टू रूट आर जी। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ए। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास इतनी तो वेलोसिटी होनी ही चाहिए सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट बिकम स्लैक। इफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज लेस देन दिस, अगर इससे लेस हो द ऑब्जेक्ट कैन नॉट कंटिन्यू इन सर्क्युलर ऑर्बिट एंड द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। यानी ये हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी आ गई है, इस वेलोसिटी पर सर्कुलर पाथ कंटिन्यू रहेगा, अगर इससे कम, इससे लेस अगर वेलोसिटी होगी तो सर्कुलर पाथ कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट लोएस्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे लोएस्ट पॉइंट बी पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द लोएस्ट पोजिशन टू द हाईएस्ट पोजिशन, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू 2 आर। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। यानी ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे 1/2 एम वी वन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट अपर पॉइंट या हाइएस्ट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2 आर इक्वल्स टू 1/2 एम वी टू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जीज के पास कितनी है बी पॉइंट पर, जीरो। तो यहाँ क्या होगा, हम वी टू निकाल लेते हैं। देखो 1/2 v2² इक्वल्स टू v1² प्लस 4 gr, ये हमारे पास इक्वेशन आती है जब इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, v1 इक्वल्स टू रूट आर जी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ओनली आर जी बचेगा, तो v2² इक्वल्स टू आर जी प्लस 4 आर जी, ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अब देखो आर जी प्लस 4 आर जी कितना हो गया, 5 आर जी हो गया, तो v2 कितना हो गया रूट 5 आर जी। देयरफोर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाइएस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन दिस, इट विल नॉट कंप्लीट द सर्क्यूलर पाथ। देखो यहाँ ये वो वेलोसिटी है कि अगर इससे कम वेलोसिटी रही तो वो सर्क्यूलर पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब वो बी पॉइंट पर